हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूट योर फ्लाइट टू सक्सेस एंड येस टूडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज ठीक है प्रीवियस वीडियो में हमने व्हाट डू यू मीन बाय फायर इंश्योरेंस एंड उनके फर्स्ट फोर टाइप्स देखे थे स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज ठीक है सो बिफोर गोइंग अ स्टूडेंट्स न्यू पीपल टू माई चैनल काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सो दट द वीडियो इज वेरी वेरी यूजफुल टू एवरीबडी ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स द फिफ्थ टाइप ऑफ पॉलिसी इज आई टू से टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज एक्सेस पॉलिसी ठीक है एक्सेस पॉलिसी में हमें ये देखना है कि वेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और स्टॉक्स फ्लक्चुएट्स मतलब जब भी हमारे जो प्राइस होते हैं गुड्स के या वैल्यूज होते हैं गुड्स के या जो भी स्टॉक आपने करा हुआ है वो अगर फ्लक्चुएट होता है चेंज होता है प्राइज जब यू नो इंश्योरेंस जब आप कर रहे हो तब एक प्राइस होता है ऑब्वियसली फॉर द गुड्स और थोड़े दिनों के बाद मे भी सिक्स मंथ और ईयर जब वही प्राइस थोड़ा सा चेंज होता है तब एक्सेस पॉलिसी में बी टेकन बाय द इंश्योर्ड अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल पॉलिसी मतलब एक नॉर्मल पॉलिसी भी आप ले सकते हो फॉर सिक्योरिंग द गुड्स ओके और एक्सेस पॉलिसी भी आप ले सकते हो या लेना चाहिए सो so दैट अगर आपका जो वैल्यू ऑफ गुड्स है अगर वो फ्लैक्चुएट सॉरी फ्लक्चुएट होता है तो आपको ये एक्सेस पॉलिसी बहुत ही यूजफुल होती है ठीक है इन दिस एक्सेस पॉलिसी द इंश्योर्ड विल टेक टू पॉलिसीज ठीक है एक नॉर्मल पॉलिसी है और एक एक्सेस पॉलिसी है और मैंने अभी आपको कहा नॉर्मल पॉलिसी में वैल्यू ऑफ गुड्स को वो सिक्योर करते हैं लेकिन अगर वो वैल्यू ऑफ गुड्स अगर आगे चल के फ्लक्चुएट होते हैं तो देन दे टेक वन मोर एडिशनल पॉलिसी जिसको हम एक्सेस पॉलिसी कहते हैं अगर प्राइस फ्लक्चुएट होता है वैल्यू ऑफ गुड्स फ्लक्चुएट होता है तो ये उसको कवर करता है ठीक है सो इट इज अ बेनिफिशियल टू द इंश्योर्ड तो अंडर ए कैटेगरी में आप देख सकते हो वन पॉलिसी फॉर द अमाउंट बिलो विच द वैल्यू ऑफ स्टॉक डज नॉट फॉल मतलब एक नॉर्मल वाला पॉलिसी होता है जहां पर अमाउंट बिलो होता है विद द वैल्यू ऑफ स्टॉक डज नॉट फॉल ठीक है अनादर पॉलिसी होता है बी वाला अनादर पॉलिसी टू कवर द एक्सेस वैल्यू ठीक है एक्सेस ज़्यादा वाला वैल्यू बाय विच प्राइस ऑफ द गुड्स फ्लक्चुएट मतलब अगर प्राइस फ्लक्चुएट होता है चेंज होता है तो उसको ये कवर करता है ये मतलब एक्सेस पॉलिसी एग्जाम्पल भी दिया गया है स्टूडेंट्स इफिकेंसी इफ़ द वैल्यू ऑफ स्टॉक रेंजेज बिटवीन रुपीज़ वन लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड रुपीज़ टू लैख ठीक है अगर हम ऐसा कंसिडर करें कि वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है आपका रेंज करता है बिटवीन वन लाख फिफ्टी टू टू लाख रुपीस तो एक पॉलिसी इंश्योर निकालेगा जो होगा बिटवीन यू नो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड का ठीक है और अनादर पॉलिसी जो है उसको वो एक्सेस पॉलिसी निकालेगा मतलब एक्सेस पॉलिसी के अमाउंट पर निकालेगा जो फिफ्टी थाउजेंड के ऊपर एम टू तो से फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ होगा क्योंकि अगर यू नो टमोरो और इन फ्यूचर अगर वैल्यू ऑफ़ द गुड्स फ्लक्चुएट दैन ईट विल भी बेनिफिशियल क्योंकि उसको वो भी अमाउंट मिलेगा बेनिफिट मिलेगा ठीक है सो दिस इज अबाउट एक्सेस पॉलिसी वेरी सिंपल यहाँ क्या करते हैं हम एक नॉर्मल पॉलिसी भी लेते हैं अपने गुड्स को सिक्योर uh, करने के लिए एंड ऑल्सो यू टेक द एक्सेस पॉलिसी सो दैट आपका अगर वैल्यू ऑफ गुड्स और स्टॉक्स फ्लक्चुएट होता है तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है तो इन न से बेसिकली इंश्योर दो पॉलिसीज निकालता है अंडर एक्सेस पॉलिसी ठीक है सिक्स वाला एक्सप्लेनेशन में जाएंगे हम सिक्स वाला पढ़ेंगे री इंस्टेटमेंट पॉलिसी स्टूडेंट री इंस्टेटमेंट पॉलिसी का मतलब क्या है ना दिस इज अ पॉलिसी और दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलिसी वे आर द इंश्योर अंडर टेक्स टू रिप्लेस द प्रॉपर्टी और गुड्स लॉस्ड बाय फायर ठीक है आर यू गेटिंग इट तो यहां पे इंश्योरर क्या करता है इंश्योरर कौन है अब इंश्योरेंस कंपनी वो अंडरटेक करता है कि वो आपके जो प्रॉपर्टी है या गुड्स जो भी लॉस हुए है फायर के वजह से वो उन प्रॉपर्टी को रिप्लेस करता है मतलब आपको वो प्रॉपर्टी दे देता है इन दिस पॉलिसी इंस्टेड ऑफ पेइंग कॉम्पनसेशन फॉर द प्रॉपर्टी लॉस बाई द फायर द प्रॉपर्टी एज सिंपल एज दैट वो आपको कोई कॉम्पनसेशन या पैसे नहीं देता है आपका जो भी गुड्स था आपका जो भी प्रॉपर्टी थी और फायर की वजह से वो लॉस्ट हो चुकी है तो ये इंश्योरेंस कंपनी आपको वो पूरा का पूरा असेट या प्रॉपर्टी या गुड्स रिप्लेस करके दे देगी ठीक है लेकिन और एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि वाइल पेइंग द कॉम्पनसेशन द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इज नॉट टेकन इंटू कंसिडरेशन मतलब जब ये भी कॉम्पनसेशन पे करते हैं तो डेप्रिसशन अमाउंट कंसिडर नहीं किया जाता है ओके सो वाईल पेइंग द कॉम्पन्न द डेप्रिशन अमाउंट ऑफ द पॉलिसी इज नॉटन इन टू कंसिडरेशन द रेट ऑफ प्रीमियम इज वेरी वेरी हाई इन द री इंस्टेटमेंट पॉलिसी ऑब्वियस होगा अगर वो पूरे गुड्स या प्रॉपर्टी आपको रिप्लेस करके दे रहे तो डेफिनेटली रेट ऑफ प्रीमियम क्या होगा स्टूडेंट्स हाई ही होगा सो दैट्स वाई देर इज अ हाई रेट ऑफ प्रीमियम इन री इंस्टेटमेंट पॉलिसी ठीक है लेट्स गो टू दर्ड आई मे टू सेवंथ वन

इन दैट केस फायर इंश्योरेंस पॉलिसी वो कवर नहीं करती हावेवर दिस पॉलिसी कवर्स अ लॉट ऑफ रिस्क अंडर सिंगल पॉलिसी मतलब एक ही पॉलिसी के अंडर एक पॉलिसी मतलब एक अम्ब्रेला के अंडर बहुत सारे रिस्क कवर होते हैं लेकिन कैसे रिस्क कवर होते हैं ऑब्वियसली लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर आग लगने की वजह से अगर कोई लॉस होता है तो वो डेफिनेटली फायर इंश्योरेंस अंदर इन आई वन टू से कंप्रेंसिव पॉलिसी कवर्स द लॉस देन एक्सप्लोजन अगर होता है ब्लास्ट यू नो अर्थक्वेक होता है फ्लड्स होता है तो ये सारी चीज़ें कवर होती है अंडर कॉम्प्रेहेंसिव ऑन अ वेरी वेरी यूज वे कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसी सो बहुत सारे रिस्क कवर होते हैं अंडर दिस पॉलिसी लेकिन नॉर्मली यू नो राय्स और वॉर नहीं कवर होते बट ये सारी चीज़ें कवर डेफिनेटली होते हैं अंडर कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी ठीक है ना एथ है हमारा कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी ना स्टूडेंट्स कॉन्सिक्वेंशियल लॉस प्रॉपर्टी क्या है कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं परिणामदायक वाले जो लॉसेज होते हैं उनको हम डेफिनेटली आई ट्राई टू टेल यू वट इज द मीनिंग बट ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी क्या कहता है फायर इंश्योरेंस क्यों निकाला जाता है स्टूडेंट्स डेफिनेटली नो टू इंडेम्निफाई द मटीरियल लॉस ओनली है ना अगर कोई गुड्स प्रॉपर्टी स्टॉक इन सब चीजों को अगर कोई नुकसान होता है ड्यू टू फायर तो डेफिनेटली फायर इंश्योरेंस लिया जाता है द इनटेंजिबल इंटरेस्ट वॉज नॉट इनडेमिफाइड इनटेंजिबल दोज गुड्स विच डू नॉट हैिजिकल टच यू कैनॉट सी दैम सो वो तो इनडेमनीफाई नहीं होते ना लेकिन दस द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी इंक्लूड्स लॉस ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज मतलब कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में आप टेंजिबल मतलब जो चीज़ें जो गुड्स आप देख सकते हो जो टच कर सकते हो वो गुड्स और जो आप टच नहीं कर सकते जैसे कि आपका गुडविल हो गया रेप्यूटेशन इंटेंजिबल है ना ये सारे प्रॉपर्टीज उनको भी ये इंक्लूड करता है दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स एन इंडेमिनिटी टू द इंश्योर फॉर द लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट्स डेफिनेटली अगर कोई नेट प्रॉफिट्स में कमी आई है लॉस हुआ है उसको वो कवर करता है कौन कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस इफ एनी ओके कोई भी अगर स्टैंडिंग चार्जेस है जैसे कि यू नो स्टैंडिंग चार्ज इज अ फिक्स्ड डेली अमाउंट यू हैव टू पे फॉर द एनर्जी आप बोल सकते हो गैस इलेक्ट्रिसिटी ऐसे वाले जो होते हैं उसको हम स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं या एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो भी वर्किंग कैपिटल लगता है पेइंग लेबर्स जो भी लेबर कॉस्ट है ओके okay, रूटीन में जो भी एक्सपेंडिचर्स uh, लगते हैं इन सब को कॉन्सिक्वेंशल लॉस पॉलिसी कवर करता है ठीक है लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारा है स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी स्टूडेंट स्प्रिंकलर आपने सुना होगा ना एग्रीकल्चर में ये वर्ड बहुत ही फेमस है क्योंकि स्प्रिंकलर uh, लगाते हैं स्पेशली इरीगेशन में तो पानी हर तरफ फैल जाए तो दट्स द मीनिंग आई एम ट्राइंग टू टेल यू बट यहाँ पे स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी में क्या होता है स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कवर्स डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम ठीक है अब ये जो डैमेज कॉज होता है अगर कोई ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम लीक हुआ है या डिस्चार्ज हुआ है यू नो और पानी को अगर डिस्चार्ज करता है एक्सीडेंटली नॉट इंटेंशनली ओके अगर बाय अनफॉर्चुनेटली या एक्सीडेंटली ऐसा होता है लेकिन 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 रादर दैन इन रिस्पॉन्स टू द फायर एंड स्मोक फायर और स्मोक से रिस्पॉन्स के साथ अगर वो लीक हुआ है या डिस्चार्ज हुआ है तो ये कवर नहीं होता है लेकिन एक्सीडेंटली अगर होता है ड्यू टू ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम की गलती के वजह से अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली वो स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी में आता है बट नॉट इन रिस्पॉन्स टू द फायर एंड स्मोक हावेवर द डिस्चार्ज और लीकेज ऑफ वाटर ड्यू टू हीट कॉज बाय फायर रिपेयर ऑल्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग अर्थक्वेक वॉर एक्सप्लोजन आर नॉट कवर्ड बाय दिस पॉलिसी बहुत सीधे सीधे ये स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी कहता है कि अगर कोई भी डिस्चार्ज या लीकेज ऑफ वाटर हुआ है किस वजह से हीट जो कॉज बाय फायर की वजह से हीट जनरेट हुआ है या आपने ऑल्टरनेशन या रिपेयर किया बिल्डिंग इसी वजह से हुआ है या अर्थक्वेक हुआ वॉर हुआ एक्सप्लोजन हुआ ये सारी चीज़ें स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी में इंक्लूड या कवर नहीं होती है स्टूडेंट्स ठीक है सो दिस इज़ वन ऑफ द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी स्टूडेंट्स बट यू शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये पॉलिसी कहता है कि डैमेज प्रॉपर्टी को तभी हो अगर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम में कोई लीकेज या डिस्चार्ज ऑफ वाटर हुआ है बट दैट टू एक्सीडेंटली ठीक है सो दिस इज अबाउट द रिमेनिंग फाइव टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी स्टूडेंट्स आई होप ये बहुत ही आसानी से आपको समझ आ गया है एनी क्वेश्चन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन वी विल डेफिनेटली टेकल आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर किप स्टिंग किप रिवाइजिंग थैंक यू सो मच